धर्म नगरी श्रीधाम वृंदावन में चोरों ने घात लगाकर बीते एक सप्ताह में करीब आधा दर्जन जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद वृंदावन के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा वृंदावन कोतवाली प्रभारी से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर एक सप्ताह पहले मुलाकात की गई थी, जिसमें वृंदावन कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार शाही ने संबंधित पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए चोरी की घटनाओं का खुलासा करने एवं चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ। वहीं वृंदावन वासियों और व्यापारी वर्ग में पुलिस के रवैये को लेकर रोष व्याप्त है। सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का चोरी की घटनाओं के संबंध में। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इन दिनों धर्मनगरी वृंदावन में चोरी का सिलसिला जारी है। चोर ताक लगा करके जहां तहां चोरियां कर रहे हैं। इसी को लेकर के करीब हफ्ते भर पहले वृंदावन के व्यापारियों ने वृंदावन कोतवाली प्रभारी से मुलाकात की थी और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही थी, जिसमें वृंदावन कोतवाली प्रभारी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और चोर पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आइए बात करते हैं व्यापार मंडल के चेयरमैन और अध्यक्ष से, उनका क्या कुछ कहना है। व्यापारियों ने विगत 6 दिन पहले वृंदावन कोतवाली प्रभारी से चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुलाकात की, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली है, क्या कुछ कहना है। निश्चित तौर पर वृंदावन में पिछले 1 महीने में लगातार चोरियां बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायत व्यापार मंडल को प्राप्त हो रही थी। व्यापारियों एवं अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा इस चीज़ से अवगत कराया गया। तमाम हमको वीडियो फुटेज उपलब्ध कराई गई, जिसमें जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं बाइक चोरी एवं अन्य आपराधिक चोरी कृत्य करते हुए, उनकी वीडियो फुटेज एवं फोटो भी उपलब्ध हैं। वो हम सभी ने कोतवाली प्रभारी से मुलाकात की और घटनाएं जो थी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो चुकी थी। बाइक चोरी की भी अनेक घटनाएँ थी, कुछ चोरी के प्रयास की घटनाएं थी जिसमें सफल नहीं हो पाए और कुछ जगह अपराधी सफल भी हो गए थे और कई जगह की वीडियो फुटेज भी मौजूद थी जो हमने कोतवाली प्रभारी जी को उपलब्ध करा दी थी। और जिस तरह की वीडियो फुटेज उपलब्ध हमने कराई थी, उसमें किसी फुटेज में तो जो चोर हैं उनके चेहरे बिल्कुल क्लियर थे। उसके बाद भी अभी तक घटनाओं पर अंकुश जरूर लग गया है, पर जो पुरानी घटनाएं हैं वो अभी तक नहीं खुल पाई हैं। निश्चित तौर पर ये पुलिस की लापरवाही हम मान सकते हैं इस चीज़ के लिए, और जब वीडियो फुटेज के रूप में साक्ष्य मौजूद है, इससे बड़ा फुटेज साक्ष्य किसी के पास उपलब्ध नहीं होता और चेहरा क्लियर है, सबसे बड़ी बात उसमें यह है। और जो भी घटनाएं हुई थी वो बांके बिहारी क्षेत्र में हुई थी, जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है बांके बिहारी क्षेत्र, और अन्य क्षेत्रों में हुई थी, पर ज़्यादातर घटनाएँ वहीं पर हुई थी। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो चोरी की घटना है उनका खुलासा किया जाए, इनको लापरवाही ना बरती जाए। जो व्यक्ति जिस मनसा का होता है, अगर आपकी शक्ति से हो सकता है फिलहाल उस पर अंकुश लग गया हो, पर अगर उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 10-5-20 दिन महीने बाद रुक के पुनः वो अपना कार्य प्रारंभ कर देगा और जो एक लंबी लिस्ट चोरियों की चालू हुई थी वो हो सकता है दोबारा कोहरा बढ़ते ही और मौसम में सर्दी आते ही वो दोबारा से प्रारंभ हो जाए। इसलिए निश्चित तौर पर जो अपराधी प्रवृत्ति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि वो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस ना कर सके। अधिकतर चोरी की घटनाओं में व्यापारियों को भी निशाना बनाया जाता है, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या अगर पुलिस इन घटनाओं को खुलासा करने में नाकाम होती है तो आगे आपके क्या कदम होंगे? निश्चित तौर पर जो घटनाएं होती हैं, जो इस तरह की घटनाएं है, सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनमानस हो। आज के समय पे जो चोरी का माल जाता है तो निश्चित तौर पे उसका जीवन बहुत लंबे समय के लिए प्रभावित हो जाता है, और ये जो चोरी की घटनाएं, ये आगे चल के कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है चोरी करने जाए, पर अगर व्यक्ति जगह मिल जाए तो ये बड़ी घटना में भी परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। आपने देखा होगा कि मथुरा में कितनी बड़ी घटना हुई, पूरे प्रदेश में चोरी, वो भी एक तरह से चोरी की घटना मान सकते हैं, पर वो जगह होने पर उसको बड़ा रूप ले लिया और उसमें आगे चलकर लूट और मर्डर जैसी घटनाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं। निश्चित तौर पे इन घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, व्यापारियों में जो व्यापार कर रहे हैं उनके में एक भावना आनी चाहिए कि हम पूरी तरह योगी राज में सुरक्षित हैं, और अगर इस तरह की घटना होंगी तो जो ये सुरक्षा की भावना है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। कई जगह पुलिसकर्मी जो है जिनकी समय पूरी हो चुके, उसके बावजूद भी जो है वृंदावन में टिके हुए, उसको लेकर कुछ कहेंगे क्या, कारण हो सकता है? नहीं, अगर कोई पुलिसकर्मी, ये पुलिस प्रशासन का विभाग का काम है, पर लंबे समय तक टिककर कोई पुलिसकर्मी अगर किसी कार्य
को करने में असमर्थता व्यक्त करता है, बहुत निश्चित तौर पे उनका तबादला होना चाहिए। और अगर कोई बढ़िया व्यक्ति काम कर रहा है, अच्छा तरीके से काम कर रहा है, तो हमें उस चीज़ से कोई इतराई नहीं है, आप करता रहे, वो पुलिस प्रशासन का विभागीय विषय है, ये इस चीज़ के लिए वो देखेंगे। विगत दिनों पूर्व वृंदावन में कई चोरी की घटना हुई, उसके बाद व्यापारियों ने वृंदावन कोतवाली प्रभारी से मुलाकात की और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली है, चोरों को पकड़ने में नाकाम है, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या व्यापारियों के आगे कदम होगा? देखिए, एक विगत एक महीने के अंदर में करीब करीब 7-8 चोरी की घटना हुई थी और इसमें करीब करीब 5-6 घटना जो बिहारी क्षेत्र चौकी में हुई थी। तो इसी संदर्भ में कोतवाली प्रभारी से हम लोग मिले थे, व्यापार मंडल के सभी लोग, तो उन्होंने कहा भी था कि इसको अलर्ट कर दिया जाएगा घटनाओं का, लेकिन हमको मिले हुए आज 5 या 6 दिन करीब होने पर आ रहे हैं, तो अभी तक कोई भी घटना का अनावरण नहीं हुआ है, जबकि हम लोगों के द्वारा फुटेज भी उनको उपलब्ध करा दी गई थी। तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शायद लापरवाही बढ़ती जा रही है। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि चोर की शक्ल एकदम साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हाँ बिल्कुल खाली है, जब अभी तक कोई घटना का अनावरण उन्होंने नहीं किया है, कोई वो पकड़ा नहीं गया है, जबकि इसमें फुटेज में साफ चेहरा उसका दिख रहा है। जो फुटेज हमने दी थी वो चोर कम से कम इंदा ने 5-6 वाहनों की चोरी कर चुका है, पर लेकिन पुलिस प्रशासन इसके लिए अभी कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर शीघ्र ही इस घटनाओं का अनावरण नहीं किया गया तो व्यापार मंडल इसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा।